वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स फॉर फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हूँ, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके फेस पे दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, आप इससे बहुत परेशान हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार ज़रूर आजमाएं। इस टिप्स को आजमाने से आपके फेस के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आपके फेस पे चमक आएगा, आपका फेस ग्लो करेगा। यदि आपके फेस पे फ्रेंड्स दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयां हैं, तो बहुत ही जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगी। एक्स्ट्रा ग्लो के लिए भी आप अपने फेस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके फेस पे दाग धब्बे नहीं हैं फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेना क्या है, बहुत ही सरल विधि में आपको बताएंगे। आपके घर में यह चीज़ें हमेशा मौजूद होती हैं, तो आपको यहाँ पे लेना है एक कच्चा आलू। कच्चे आलू के छिलकों को आप निकाल कर अलग कर लीजिएगा। जब इसके छिलके साफ हो जाएं तो उसे आप पानी में साफ कर लीजिएगा। पहले आलू आप धो लीजिएगा, उसके बाद आप किसी कद्दूकस से इसे कस ले, नहीं तो इसे छोटे छोटे भागों में काट कर मिक्सी में आप पीस भी सकते हैं। पीसने के बाद फ्रेंड्स आप इसे किसी कॉटन की सहायता से इसका रस छान कर अलग कर लीजिएगा। उसके बाद उस रस में फ्रेंड्स आपको मिलाना है 4 से 5 बूंद नींबू का रस। यदि आपके फेस पे छाइयां हैं तो आप नींबू का रस मिलाइए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नींबू का रस इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप एक कॉटन लीजिए, कॉटन की सहायता से आप अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करें। 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से आप इसे मसाज भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरे फेस पर अप्लाई करके भी आप छोड़ सकते हैं। आपके पास समय है तो आप मसाज भी कर सकते हैं। रोजाना आपको इसका इस्तेमाल करना है, सुबह के वक्त या जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पुराने से पुराने दाग धब्बे आपके खत्म हो जाएंगे। इसका पैक आपको किस तरह से बनाना है तो हम पैक के बारे में भी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका पैक आप बना के अपने फेस पे जरूर अप्लाई करिए, किस तरह से आपको बनाना है। पहली बार लगा रहे हो फ्रेंड्स तो थोड़ा सा आप अपनी स्किन पर लगा के 2 से 3 मिनट तक रुक जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी के चेहरे पर यह खुजली सा होने लगता है, तो आप अपने चेहरे पर पहले थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। आप इसका जूस निकालकर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे 2 भागों में काटकर अपने पूरे स्किन पर गोल गोल करते हुए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो सबसे पहले हम आपके पास पहुंचा सके। थैंक यू।